स्वागत है आप सभी का साथ स्टार चैनल। तो दोस्तों मैं आया हूँ आज लखनऊ, और मैं आया था घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लखनऊ में जो मशहूर है काफ़ी लोहिया पार्क, तो क्यों ना वहाँ का ब्लॉग बनाया जाए। काफ़ी मेरे ऑडियंस के भी मेरा डिमांड था कि असल भी आप लखनऊ जाते हैं घूमने के लिए, लोहिया पार्क का वीडियो बनाएं। और काफ़ी आपके कितने दिन से आपका ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, तो आपने ब्लॉग बनाया, हम लोग को देखने के बाद अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि भाई क्यों नहीं आ, ऑडियंस की डिमांड वाला मैं बनाऊँ ना चाह नहीं सकता। मैंने सोचा क्यों ना आज मैं लखनऊ आया हूँ और आज मैं ब्लॉग बनाऊँगा, लोहिया पार्क का व्यू दिखाऊँगा। मैंने सुना है कि वहाँ के काफ़ी सुंदर तरीके से लोहिया पार्क बनाया गया है, और वहाँ की तरह तरह के वहाँ काफ़ी फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग को वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। गाइस मैं जब तक वहाँ का व्यू दिखाता हूँ लोहिया पार्क का, आप लोग चैनल पर नए चैनल के लिए सब्सक्राइब, वीडियो के लिए लाइक। चलिए गाइस मैं आप लोग को दिखाता हूँ उस लोकेशन का व्यू। घर के बाहर आ चुका हूँ, तो चलिए मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ लोहिया पार्क। दोस्तों गाइस आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये रोड क्रॉस करने के बाद लोहिया पार्क सामने है। आप लोग जैसे देख सकते हैं कि वो रहा लोहिया पार्क सामने दिख रहा है। तो मैं अभी रोड क्रॉस करूंगा, उसके बाद लेके चलता हूँ आपको। फाइनली दोस्तों मैं लोहिया पार्क के पास पहुंच चुका हूं। आप लोग जैसे यहां का बाहर का व्यू देख सकते हैं यहां का। चलिए गाइस मैं आप लोग को लेकर चलता हूं लोहिया पार्क के अंदर। आई होप आप लोग को देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोग जैसे बाहर का बैकग्राउंड देख ही चुके हैं कि आप लोग यहां का बाहर का बैकग्राउंड किस तरह अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो आई होप आप लोग अंदर का भी देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फाइनली गाइस मैं गेट के अंदर आ चुका हूँ, टिकट वगैरह सब ले चुका हूँ। मैं टिकट आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग जैसे देख सकते हैं मैं टिकट मैं ले चुका हूँ, और टिकट मेरा एंट्री हो चुका है। अब मैं चलता हूँ, मैं आप लोग को अंदर दिखाता हूँ। आई होप आप लोग देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइज मैं पिछली बार आया था यहाँ पर, काफ़ी मतलब अंदर चला गया था और काफ़ी कंफ्यूज हो गया था मतलब कि रास्ते निकलने वाला रास्ता कौन सा है। लेकिन इस बार मैं आया हूँ, थोड़ा ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर ही रहूँगा, क्योंकि आने में दिक्कत हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर कई रास्ते बने हुए हैं, जिससे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक वहाँ से जाने वाला रास्ता है, और एक जिस रास्ते पर अभी मैं हूँ ये तो बाहर निकलने वाला है, और एक मतलब पीछे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ से भी निकलने वाला है। तो गाइस जिस यहाँ पर मैं कई रास्ता बना हुआ है, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था कि निकलने बाहर मेन रास्ता कौन सा है। चलिए गाइस मैं आप लोग को दिखाता हूँ अंदर चलो। तो गाइस आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये लोहिया पार्क काफ़ी बहुत बड़ा है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये बहुत ही बड़ा है। आप लोग जितनी अंदर जाएंगे वहाँ से आने में दिक्कत होगा। अगर रास्ता अगर याद है तो आराम से निकल जाएंगे, लेकिन आने में दिक्कत होगा आपको, क्योंकि लोहिया पार्क काफ़ी बहुत बड़ा है। दोस्तों ये एकदम भूलभुलैया टाइप है, जैसे भूलभुलैया को जाता है भूल जाता है रास्ता, सेम वैसा ही है। टू कॉपी फ्लावर्स लगाया जा रहा है यहाँ पर, लगाया जा रहा है।
गाइस आप लोग देख सकते हैं पेड़ को एकदम बराबर तरीके से मैंने एकदम छांट के बराबर कर दिया गया है ताकि देखने अच्छा लगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर लोहिया पार्क में काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर्स मतलब लगाए गए हैं। चलिए गाइस मैं ऊंचाई से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वहाँ से पूरा व्यू दिखेगा आपको। तो चलिए गाइस मैं आप लोग को और अंदर दिखाता हूँ जहाँ पर अभी भरा जा रहा है पुल का व्यू। चलिए मैं आप लोग को पुल का व्यू दिखाता हूँ। अभी यहाँ से पूरा साफ सफाई हो रहा है पूरा, आप लोग जैसे देख सकते हैं ये है बैठने वाला। और मैं और भी अंदर आप लोग जैसे देखेंगे काफ़ी होम जो बजाया जाता है अक्सर मंदिरों में जो बजाया जाता है शंख जिसे बोलते हैं। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पुल जो स्विमिंग पूल जो बना हुआ है उसमें पानी है कि नहीं। ये लीजिए पानी तो है ही नहीं इसमें, आप लोग इसे देख सकते हैं। पिछली बार भी आया था मैं दिखाया भी था आप लोगों को, मतलब यूट्यूब पर हमने अपलोड नहीं किया था लेकिन मैंने व्हाट्सएप स्टेटस सिर्फ बनाया था कि यहाँ का फ़ोटो लेने के लिए। पिछली बार भी आया था यहाँ पर पानी नहीं भरा हुआ था, इस बार भी नहीं है कि आप लोग इसे देख सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अब तक आप लोगों ने शंख तो देखा होगा छोटा छोटा जो बजाया जाता है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कुछ बड़ा बड़ा शंख जो मतलब जो यहाँ पर रखा गया है गाड़ा गया है जहाँ आप लोग देख सकते हैं खड़ा किया गया है यहाँ पर। गाइस ये देखिए ये रहे को बड़े बड़े शंख। चलिए गाइस मैं आप लोग चलता हूँ उस साइड जो यहाँ पर जो पंख लगाया जाता है वो उड़ने के लिए, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं मूर्ति के पास पहुँच चुका हूँ जिनका नाम है डॉक्टर राम प्रसाद लोहिया, इन्हीं के नाम से लोहिया पार्क का नाम रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को, चलिए मैं आप लोग को नज़दीक से दिखाता हूँ, आप लोग देख कर यहाँ का आप लोग को व्यू काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों जैसे आप लोग उनके पीछे देख सकते हैं ये है टावर। तो गाइस जैसे आप लोग इनको तो जानते होंगे जो डॉक्टर राम प्रसाद लोहिया इनका नाम है, आप लोग अक्सर देखे होंगे इतिहास की किताबों में पढ़े होंगे आप लोग। तो चलिए गाइस मैं आप लोग को और दिखाता हूँ काफ़ी कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। Oh, 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 oh
दोस्तों मैं टावर पास पहुंच चुका हूं और आप लोग इसकी ऊंचाई देख सकते हैं, काफ़ी बहुत ही ऊंचा है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए गाइस मैं पहुंच चुका हूं उस लोकेशन पर जहाँ पर मैंने आप लोग से बताया था विक्स जो लगा के जो अक्सर उड़ा जाता है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। गाइस ये रहा विक्स जो यहाँ पर खड़े हुए लोग अक्सर आगे आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। तो गाइस ये रहा झूला, चलिए मैं झूला झूलता हूँ, मैं झूला भी झूल रहा हूँ इसका, मैं चलता हूँ अंदर घूमने के लिए, फिलहाल एंजॉय कर ले थोड़ा आया जिस चीज़ के लिए। तो गाइस अभी एंजॉय कर ले थोड़ा, एंजॉय करने के बाद मैं चलता हूँ थोड़ा आप लोगों को और अंदर दिखाऊंगा, आइए आप लोगों को देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। बस बचा के रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कीचड़ भी गाइस, इसलिए मैं आया थोड़ा एंजॉय करने के लिए, चले एंजॉय भी कर ले झूला झूल ले। गाइस मैं अभी झूला झूल चुका हूँ, चलिए मैं आप लोग दिखाता हूँ और आगे का व्यू, आई होप आप लोग देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, अक्सर आप लोग योगा के यहाँ पर स्टैचू रखा हुआ है जो योगा करने वाला है, ये आप लोग देख सकते हैं ये है। योगा करने वाला स्टैचू, गाइस मैं पिछली बार आया था यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टैचू था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जब मैं दूसरी बार आया हूँ तभी ढेर सारा आ चुका है, हम मंगवाए ये लोग लगाए हैं। गाइस वो रहा झूला और बाकी सभी छोटे बच्चे हैं और जो बड़े काफ़ी हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ साथ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। गाइस ये रहा इसमें भी लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, इसमें भी नहाते हैं लोग। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि लोहिया बाग में काफ़ी रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं और काफ़ी हर एक चीज़ यहाँ पर मेंटेन करके रखी जाती है, तो आई होप आप लोग को देखकर यहाँ का व्यू काफ़ी देखकर अच्छा लग रहा होगा, आप लोग हमारे से बने रहे, चलिए मैं आप लोग दिखाता हूँ आगे का व्यू। दोस्तों आप लोग को यहाँ का व्यू कैसा लग रहा है, आई होप आप लोग को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों जैसे आप लोग पेड़ पौधे देख रहे हैं काफ़ी सुंदर तरीके से रंग बिरंगी गुलाबी रंग के पेड़ पौधे, काफ़ी पत्तियाँ सी हैं, काफ़ी आप लोग को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप लोग व्यू देख सकते हैं यहाँ का, आइए आप लोग एक बार आएंगे तो आप लोग बार बार आने का मन करेगा। दोस्तों अगर आप लोग लखनऊ में आइएगा तो एक बार लोहिया पार्क में जाइएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख रहे काफ़ी अच्छा लगे। तो चलिए गाइस मैं आप लोग को यहाँ से दिखाता हूँ लीलगाय का, यहाँ का पुतला हुआ है, पुतला है यहाँ पर है लीलगाय का, चलिए गाइस मैं आप लोग को दिखाता हूँ वहाँ का व्यू। तो फाइनली दोस्तों मैं उस लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर स्टैचू रखा हुआ है लीलगाय का, ये देखिए गाइस लीलगाय है, खरगोश है और मूर्ति है। मोर भी है, गाइस देखने में अच्छा लग रहा है जैसे असली है, आप लोग इसे देख सकते हैं यहाँ पर।
तो आई होप गाइस आप लोग को यहाँ का व्यू देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए गाइस मैं चलता हूँ घर। तो फाइनली दोस्त मैं अब जा रहा हूँ सीधा घर। आई होप आप लोग को देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा गाइस। आप लोगों ने जितना भी मैंने आप लोग को व्यू दिखाया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा गाइस। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा गेट के पास, आप लोग जैसा देख सकते हैं यहाँ का फूल होती है एक नंबर का है, गुलाबी है। ये देखिए गाइस पहुंच चुका हूँ मैं मेन गेट के पास। तो फाइनली दोस्त मैं बाहर आ चुका हूँ, आप लोग इधर देख सकते हैं पीछे मेरे, मैं लोहिया पार्क के बाहर आ चुका हूँ। अभी इस समय जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये लोहिया पार्क के बाहर का व्यू। तो चलिए गाइस मैं सीधे चला हूँ सीधा घर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को देख कर काफ़ी अच्छा लगा होगा यार। ये सब आप लोग जितना भी देख रहे हैं ये सब लोहिया पार्क का बाहर का व्यू है। काफ़ी हर चीज़ को मतलब मेंटेन करके यहाँ पर रखते हैं, साफ सफाई। ये सब बाहर का व्यू है। गाइस आप लोग लखनऊ आइएगा तो लोहिया पार्क एक बार ज़रूर आइए घूमने के लिए। आई होप आप लोग को देख कर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो कैसे आप लोग, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को देख कर आज का ब्लॉग काफ़ी मज़ा आया होगा। मैंने अब तक जितना भी लोहिया पार्क का मैंने व्यू दिखाया है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को देख कर काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो गाइस चलिए मैं इस यहाँ से मेरी वीडियो होती है डी एंड। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।